नमस्कार, जय हिंद साथियों। नया टॉपिक लेकर के हम आपके सामने उपस्थित हैं। इंडेक्स मतलब जितने भी सूचकांक अलग अलग संस्थाएं, अलग अलग सरकारी कंपनियां और प्राइवेट संस्थान जो है जारी करती है, उसमें भारत का स्थान कहां स्टैंड करता है, क्वेश्चन जो बन सकते हैं। वैश्विक शांति सूचकांक जेंडर गैप इंडेक्स 2023, टैलेंट रैंकिंग में हमारा स्थान क्या है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 और 40-50 में से मात्र 10-12 ही इंडेक्स हमारे काम के हैं। नमस्कार, जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। दिल्ली आईएएस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। और आज पहले की तरह फिर से करंट अफेयर का ये जो सेगमेंट है, इसमें एक नया टॉपिक लेकर के हम आपके सामने उपस्थित हैं। आप सामने देख सकते हैं कि आज का जो पूरा टॉपिक है वो इंडेक्स पे डिपेंड होगा। इंडेक्स मतलब जितने भी सूचकांक अलग अलग संस्थाएँ, अलग अलग सरकारी कंपनियाँ और प्राइवेट संस्थान जो है जारी करती है, उसमें भारत का स्थान कहाँ पे कहाँ स्टैंड करता है, क्या उसकी चीज़ें हैं और क्या इसकी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बन सकते हैं, वो सारा आज हम देखने वाले हैं। पिछले 2-3 वीडियो में जो हम इस सेगमेंट को चला रहे हैं, उसमें से हमने एक अवार्ड्स के बारे में देखा था, ठीक है। इसके अलावा एक हमने छत्तीसगढ़ के चुनाव पे कवर किया था, उसका फर्स्ट वीडियो था वो वाला, और उसका सेकेंड वीडियो जल्दी आ जाएगा जब मंत्रिमंडल, हालांकि मंत्रिमंडल गठन अभी हो चुका है, लेकिन उसमें जो विभाग है ना, उसका डिस्ट्रीब्यूशन अभी तक नहीं हुआ है। तो एक बार वो डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए मंत्रिमंडल का, उसके बाद हम फिर से एक नया वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें सारे मंत्रियों के नाम और उनका सारा डिटेल, और उसके बाद वो कौन कौन से डिपार्टमेंट से संबंधित रहेंगे, तो उस पर एक नया वीडियो रहेगा हमारा। लेकिन फिलहाल अभी जब तक ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, तभी तक कोई भी मंत्रिमंडल गठन नहीं हुआ है, मतलब पोर्टफोलियो नहीं बटा हुआ है। तो फिर जब पोर्टफोलियो बढ़ जाएगा फिर हम उसको लेकर के आएंगे, ठीक है। तो चलिए आज वीडियो स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का क्या है। सामने देखते जाइए, वैश्विक भूख सूचकांक 2023 में भारत का स्थान पूछा गया है। वैश्विक भूख सूचकांक, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ठीक है, भूखमरी सूचकांक भी कहा जाता है 2023 को। तो ध्यान रखिएगा, वैसे तो हमारा स्थान काफ़ी नीचे आपको दिखाई देगा, 111वां, मतलब बहुत ही ज़्यादा नीचे है 111वां स्थान, मतलब हम 100 के कैटेगरी में भी हम नहीं आते, टॉप 100 में भी नहीं आते, ठीक है, इतनी भूखमरी है भारत में इनके अनुसार। और इस सूचकांक में 20 देश शीर्ष स्थान पर है, मतलब पहले ही स्थान पर लगभग 20 देश है, जिसमें से बेलारूस, बोस्निया, हर्जगोवेनिया, चिली, हंगरी, चीन, कुवैत, सर्बिया, UAE, तुर्की आदि आदि देश शामिल हैं, ठीक है। तो वो टॉप का हमारे काम का है नहीं, हमारे काम का क्या है कि ये 111वां रैंक है भारत का भूखमरी या वैश्विक भूख सूचकांक में, ठीक है। ध्यान देने वाली बात यह है कि सूची में भारत के जो पड़ोसी देश है, जैसे पाकिस्तान, वो 102वें नंबर पर है, श्रीलंका 60वें नंबर पर है, बांग्लादेश 81वें नंबर पर है और नेपाल 69th। मतलब आप ये देख सकते हैं कि इस सूची के हिसाब से, मतलब इसको देख करके ऐसा प्रतीत होगा कि हमारे यहाँ इतनी भूखमरी है कि हर आदमी जो है ना, भूख से मरे जा रहा है। तो ये सूचकांक, हालांकि उसको निकालने का जो पैमाना है ना, वो जो पैरामीटर होते हैं वो भारतीय पैमाने के हिसाब से सही नहीं बैठते, मुझे ऐसा लगता है। और बहुत सारे ऐसे पैमाने होते हैं, बहुत सारे ऐसे, आप देखोगे एक एक करके सारे इंडेक्स, जिसमें किसी में भी भारत का स्थान उतना खास अच्छा नहीं है। तो उसके बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज़ के जो ज़्यादातर संस्थाएं हैं वो इसका पैरामीटर डिसाइड करती है, और भारत का जो पैरामीटर है वो सारे देशों से काफ़ी अलग है, इसलिए भारत कभी भी इंडेक्स में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता। दूसरा, भारत एक ऐसा कंट्री है जो बहुत सारा विविधता लेकर के आता है, और हर देश जो है अलग ही उसका पैरामीटर होता है। खैर, वो अपन इसे चर्चा नहीं करेंगे अभी फिलहाल। तो ध्यान रखिएगा, वैश्विक भूख सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स 111वां स्थान है, ठीक है। जारी करता कंसर्न वर्ल्ड वाइड, जो आयरलैंड की संस्था है, और वेल्ट हंगर हिल के संगठन जर्मनी की। तो जर्मनी मतलब ये भी यूरोप और आयरलैंड मतलब ये भी यूरोप की संस्थाएं ही इसको निकालती हैं, ठीक है। चलिए, अब जो हंगर इंडेक्स है उसके मापदंड या उसके पैरामीटर्स क्या है, तो इसके चार मापदंड है, आप याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। चार मापदंड है, पहला है अल्प पोषण, मतलब
जनसंख्या का वह हिस्सा जिसकी कैलोरी सेवन जो है अपर्याप्त है, मतलब कैलोरी के हिसाब से अगर नापते हैं तो हमें वो निश्चित कैलोरी जो हमको मिलना चाहिए प्रतिदिन वो नहीं मिल पाती। ठीक। दूसरा है बच्चों का बौनापन, इसको बोलते हैं चाइल्ड स्टंटिंग। 5 साल से कम उम्र के उन बच्चों का हिस्सा जिनकी लंबाई इनकी उम्र के हिसाब से कम है। ठीक है। चाइल्ड वेस्टिंग, 5 साल से कम उम्र के उन बच्चों का हिस्सा जिनका वजन उनकी ऊंचाई के हिसाब से कम है। ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, एक लंबाई वाला है और एक वजन वाला। ठीक है। और बाल मृत्यु दर, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का मृत्यु दर, ठीक है, जो अभी 5 वर्ष के हैं और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना 5 वर्ष तक सर्वाइव नहीं कर पाते, तो उनका इसमें डाटा लिया जाता है, तो उसके हिसाब से फिर भुखमरी सूचकांक हमारे यहाँ काफ़ी बुरा है ऐसा माना गया। खैर, जनसंख्या भी हमारी ज़्यादा है, इसका भी एक कारण है कि हमारे यहाँ जो ये पैमाना है वो खरा उतरता नहीं है। आगे देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? वैश्विक शांति सूचकांक 2023, ध्यान रखिएगा, वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान है 126वां। ठीक है। मतलब हमारे यहाँ शांति भी नहीं है एक हिसाब से अगर कहा जाए तो। ठीक है, 126वां स्थान है और ये अंक वंक आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है फिलहाल। ठीक है। इस सूचकांक में जो शीर्ष के देश है वो है आइसलैंड, एक ही याद रखिए, तीन तीन याद रखने की ज़रूरत नहीं है, एक जो भारत का स्थान है और दूसरा जो टॉप की कंट्री है उस इंडेक्स में, वो तो दो ही चीज़ याद रखिएगा आप लोग, है ना। तो पहला स्थान किसका है? आइसलैंड का। और हमारा स्थान कितना है? 126वां। ठीक है। सबसे आखिरी स्थान अफगानिस्तान का है, 163वां। मतलब 163 देशों की रैंकिंग जारी की गई थी जिसमें से हमारा स्थान जो है 126वां है, इस हिसाब से हमारा भी स्थान बहुत नीचे है। ठीक। जारीकर्ता कौन है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, IEP। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक 2023, इसको बोलते हैं ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023। तो हमारा यहाँ पर स्थान है 127वां। ठीक है। जेंडर गैप इंडेक्स में भी हमारा स्थान उतना सही नहीं है, मतलब हमारे यहाँ इक्वालिटी जेंडर के हिसाब से इक्वालिटी भी उतनी खास अच्छी नहीं है इस सूचकांक के हिसाब से, और इसमें शीर्ष स्थान है आइसलैंड का, बाकी दो कंट्री हैं नॉर्वे और फिनलैंड। तो खैर, आप आइसलैंड को याद रखिए और 127वां। ठीक है। चलिए, जारी करता WEF, मतलब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक प्रतिभा रैंकिंग, ग्लोबल टैलेंट इंडेक्स या ग्लोबल टैलेंट रैंकिंग में हमारा स्थान क्या है? तो यहाँ पर कुछ ठीक है क्योंकि हमारे यहाँ टैलेंट अच्छे खासे निकल रहे हैं आजकल, तो 56वां। ऐसे याद रख सकते हैं कि 56 वर्ष का इंसान काफ़ी टैलेंटेड हो जाता है। ठीक है। तो वैश्विक प्रतिभा सूचकांक या रैंकिंग में 2023 में भारत का स्थान क्या रहा है? तो 56वां स्थान रहा है। ठीक है। और इसका सूची का जो सबसे पहला नंबर का देश है या फर्स्ट स्थान जिसको मिला है वो है स्विट्जरलैंड। आप देखिएगा कि लगभग सारे जो रैंकिंग है उसमें वो जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है, मतलब जो आप ये समझिए कि वेस्ट यूरोप की जो कंट्रीज है, उन्हीं का ही परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा रहता है, नॉर्वे, आइसलैंड, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, ठीक, ये सारी कंट्रीज। ठीक है। जारीकर्ता कौन है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? प्रतिस्पर्धा सूचकांक, वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा हमारा स्थान है प्रतिस्पर्धा में 40वां। तो ऐसे याद रख लीजिए कि 40 लोग के बीच में क्या है? कंपटीशन है, प्रतिस्पर्धा है। जैसे आप लोग PSC देने वाले हैं तो 1 लाख लोगों के फॉर्म कम से कम तो आएंगे, 1 से 1.5 लाख लोगों के, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं क्योंकि अब जो है PSC का फॉर्म फ्री है। तो आप याद रखिए कि आपको टॉप 40 में जाना है प्रतिस्पर्धा में। ठीक। तो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत की रैंकिंग क्या है? 40वां। ठीक है। भारत वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में 40वें स्थान पर रहा है और इसके जो शीर्ष देश है उसमें है फर्स्ट डेनमार्क। मैंने बताया ना कि जो ये सारी कंट्रीज है वही हमेशा टॉप पर रहती है। ठीक। कभी इस पर चर्चा करेंगे कि क्या है, क्यों है, क्यों ऐसा होता है। फिलहाल आप फर्स्ट स्थान याद रखिए डेनमार्क का और जो भारत का स्थान है वो कितना है? तो 40वां। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन,
विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, प्रेस का मतलब वो वाला प्रेस नहीं, प्रेस का मतलब ठीक है अखबार न्यूज़पेपर वाला प्रेस, ठीक है। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर भारत का स्थान है 161, इसमें भी भारत की हालत जो है वो ख़राब इन्होंने दिखाई है। इसका मतलब ये है कि भारत में प्रेस को आज़ादी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर आप यहाँ के प्रधानमंत्री से लेकर के यहाँ के राष्ट्रपति तक को कुछ भी बोल सकते हैं, इवन आप यहाँ पर उपराष्ट्रपति जैसे एक संवैधानिक और सम्माननीय पद जो गौरवमयी पद है उसकी मिमिक्री भी कर सकते हैं संसद के बाहर खड़े होकर के, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ पर जो इस प्रकार के सूचकांक जो है जारी किए जाते हैं हमारे खिलाफ। खैर 161वां स्थान है भारत का किसमें, प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में, और फिर से स्कैंडिनेवियन कंट्री ही है ये नॉर्वे, तो नॉर्वे का यहाँ पर फर्स्ट स्थान है, याद रखिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है जो ये नीचे वाला स्थान है ना, सॉरी ये जो जारीकर्ता का नाम दिया है प्रेस विदाउट बॉर्डर, इसका पूरा नाम है प्रेस विदाउट बॉर्डर्स। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा था कि ये सूचकांक कौन जारी करता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा प्रेस विदाउट बॉर्डर्स ये सूचकांक जारी करता है, ठीक है, पेरिस की संस्था है ये। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। चुनावी लोकतंत्र सूचकांक, मतलब चुनाव जिस देश में लोकतंत्र है वहाँ पर लोकतंत्रात्मक तरीके से चुनाव होता है, तो उस चुनाव कराने के लिए हमारे यहाँ लोकतांत्रिक तरीके से जो चुनाव होता है उसमें हमारा स्थान कितना है? तो ध्यान रखिएगा हमारा स्थान है 108, ठीक है। चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 से भारत का स्थान है 108, ठीक है। और इसमें फिर से फर्स्ट स्थान पर कौन सा देश है? डेनमार्क, प्रथम स्थान पर है डेनमार्क, ठीक। चलिए नेक्स्ट, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 के अनुसार भारत आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में किस स्थान पर रहा है? मतलब ऐसे देश जहां पर आतंकवाद बहुत ज़्यादा है, तो ध्यान रखिएगा हम इसमें 13वें नंबर पर स्टैंड करते हैं, मतलब हमारा देश भी अच्छा खासा आतंकवाद से प्रभावित है। हालांकि पिछले कुछ सालों से 5-7 साल से हमारे यहाँ जो आतंकवादी घटनाएं हैं वो काफ़ी कम हुई हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी अभी तक पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुई है। तो जब तक हमारे पड़ोसी शांत नहीं रहेंगे, जब तक उनको समझ नहीं आएगा, तब तक हमारे यहाँ आतंकवाद की जो गतिविधियाँ हैं वो जारी रहेगी, और काफ़ी कुछ हमने उसके रीढ़ की हड्डी पर प्रहार किया है आतंकवाद को तोड़ने के लिए, लेकिन फिर भी अभी बहुत कुछ करना बाकी है, ठीक है। और इस सूची में जो प्रथम स्थान है वो है अफगानिस्तान का, आप देख सकते हैं, ठीक। जारीकर्ता कौन है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, IEP, ठीक। हल्का सा ये भी आप देख लिया करो, इंस्टीट्यूट ये सब जो जारी करता है कभी कभी इससे क्वेश्चन आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI में भारत किस स्थान पर रहा है? तो ये अच्छा है भारत के लिए, यहाँ पर भारत का स्थान है 8वां, ठीक है। जलवायु प्रदर्शन सूचकांक मतलब हमने जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में कौन से सुधार कार्य किए, उसमें हमारा स्थान है 8वां, और ये काफ़ी अच्छा स्थान है क्योंकि टॉप 3 में कोई कंट्री नहीं है, अर्थात जो पैरामीटर्स डिसाइड किए गए थे कि ये अगर आप करते हैं इस प्रकार का काम तो आपको टॉप में जगह मिलेगी, तो ऐसा पैरामीटर्स कोई भी क्रॉस नहीं कर पाया, कोई भी उसको फुलफिल नहीं कर पाया, तो टॉप के 3 स्थान खाली हैं अभी भी, और हमारा स्थान क्या है? 8वां है, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा स्थान जलवायु के क्षेत्र में ठीक है, हम सही काम कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं आगे, फुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इसमें भी भारत का स्थान काफ़ी अच्छा है, हम अभी इसमें 3rd नंबर पे हैं, 3रे स्थान पर हैं, याद रखिएगा, ठीक है। यूनिकॉर्न इंडेक्स, यूनिकॉर्न एक घोड़ा जैसा, सही घोड़ा जैसा एक देखना आप वो होता है, एक जानवर होता है जिसका एक सींग होता है, लेकिन यहाँ पर ये यूनिकॉर्न नहीं है, यूनिकॉर्न कंपनीज उनको कहा जाता है, ऐसे स्टार्टअप्स ठीक है जिनका मार्केट वैल्यू $1 बिलियन से
ज़्यादा हो चुका है, ऐसे स्टार्टअप ठीक है जिनका मार्केट वैल्यू बाजार मूल्य 1 बिलियन से ज़्यादा हो चुका है, ठीक है उनको बोलते हैं स्टार्टअप सॉरी यूनिकॉर्न कंपनीज। और ध्यान रखिएगा कि इस इंडेक्स के अनुसार भारत में कुल 168 यूनिकॉर्न कंपनीज है, जो कि काफ़ी बड़ा नंबर है। 168 यूनिकॉर्न मतलब हमारे यहाँ जो कंपनीज बन रही है नई नई स्टार्टअप्स, जिसको भारत सरकार अभी बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है, तो वहाँ पर 138 कंपनियाँ ऐसी हैं जो $1 बिलियन का जो मार्केट वैल्यू है वो प्राप्त कर चुके हैं, ठीक है। इसमें 70 जो कंपनीज है उसका हेडक्वार्टर भारत के बाहर है और 68 यूनिकॉर्न का जो वो है हेडक्वार्टर वो भारत के अंदर है। तो उससे कोई वो नहीं है, फ़र्क नहीं पड़ता, जो भारतीयों का है स्टार्टअप वो भारत का ही रहेगा। तो इस मामले में भारत का स्थान है तीसरा, पहले नंबर पर है अमेरिका, ठीक है, दूसरे में है चाइना और तीसरे में है भारत, ठीक। तो फर्स्ट अमेरिका, जहाँ पर 666 यूनिकॉर्न कंपनियाँ हैं, ठीक है। तो भारत जो है वो अमेरिका से बहुत ज़्यादा पीछे हालांकि है, लेकिन जल्दी हम इसको कवर कर लेंगे ऐसा मुझे लगता है। खैर आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 इनोवेशन इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है। तो ध्यान रखिएगा नवाचार करने के मामले में हम 40वें स्थान पर हैं, मतलब हमारे यहाँ नवाचार भी ठीक ठाक तरीके से हो रहा है और स्वीडन जो है इस पर फर्स्ट स्थान रखता है नवाचार में, ठीक है। तो नवाचार सूचकांक स्वीडन फर्स्ट है और भारत का है 40वां स्थान। जारी करता विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वैश्विक दासता सूचकांक 2023 के अनुसार सर्वाधिक दासता वाला देश, देखो दासता या स्लेवरी ऐसा चीज़ है जो हालांकि आपको दिखता तो नहीं है आजकल, लेकिन किसी किसी तरीके से है। आप इसको देख सकते हैं कि आधुनिक गुलामी में विभिन्न प्रथाएं शामिल हैं जो दासता में आती हैं, जैसे बंधुआ मजदूरी, ठीक है, जबरदस्ती की शादी करके उनको बंधक बना लेना, ऋण बंधन, व्यावसायिक यौन शोषण, मानव तस्करी, बच्चों की बिक्री और शोषण इत्यादि, ठीक है। तो दासता सूचकांक 2023 के अनुसार दुनिया का सर्वाधिक दासता वाला देश कौन सा है, तो यहाँ पर उत्तर कोरिया, ठीक है, नॉर्थ कोरिया। आप मान के चलिए कि पूरा देश ही क्या है, दास है एक आदमी का, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर कौन है, तो ध्यान रखिएगा उत्तर कोरिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब जो आपके मानसिक शक्ति के आधार पर जो आप इनोवेशन करते हैं या कुछ नया रचते हैं, जैसे कुछ कविताएं हो गई, आपके आविष्कार, साहित्य, कला, ठीक है, ये सारे किस में आ जाते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आते हैं, ठीक है। तो इसमें भारत का स्थान कितना है याद रखिएगा, 42वां, 42nd, ठीक, 42वां। तो वर्ल्ड है ना इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में भारत का स्थान कितना है, 42वां, ठीक। चलिए प्रथम स्थान किसका है, अमेरिका का। आगे देखते हैं, विश्व के सबसे आपराधिक देशों की रैंकिंग 2023 में भारत का स्थान कितना है। आपराधिक देशों की सूची, आपराधिक देश जहां पर बहुत ज़्यादा अपराध होते हैं उनकी सूची में भारत का स्थान कितना है, तो 77वां, 77, ठीक। तो ये याद रखिएगा, इसमें कुछ खास नहीं है। फर्स्ट में है वेनेजुएला, जहाँ पर बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ चुकी है, इसीलिए वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या है, ठीक, क्राइम भी होता है। जहाँ पर गरीबी, भूखमरी, महंगाई ज़्यादा होगी, उसी देश में क्राइम भी ज़्यादा होगा। चलिए नेक्स्ट, वार्षिक दुख सूचकांक। वार्षिक दुख सूचकांक के अनुसार दुनिया में सबसे दुखी देशों की सूची में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है। तो दुखियों के मामले में जिम्बाब्वे फर्स्ट पर है, ठीक है, जहाँ पर सर्वाधिक दुखी लोग रहते हैं। अब ये इसका पैरामीटर देखना पड़ेगा मुझे भी कि क्या है, ठीक है, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि इन्होंने कैसे ये जान लिया कि सबसे ज़्यादा दुखी जो देश है वो जिम्बाब्वे है। भारत का स्थान है 103वां, ठीक, 103rd, और सबसे खुशहाल देश है स्विट्ज़रलैंड, ठीक। चलिए स्विट्ज़रलैंड में आपको रहने मिल जाए तो आप भी खुश रहोगे, नहीं। चलिए आगे देखते, सीपरी की रिपोर्ट है, बड़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आती है सीपरी, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट, ठीक है, पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, सीपरी पूरा नाम है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस, है ना, सॉरी स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय
शांति, हाँ, पीस शांति अनुसंधान संस्थान, सीपरी उसका पूरा नाम है, ठीक है। और ये स्टॉकहोम स्वीडन की संस्थान है जो बहुत सारे बोलना चाहिए कि हथियार और इन सब के मामले में जो है काम करती है, और उसका डेटा वगैरह कलेक्ट करके उसकी रिपोर्ट देती है, बड़ी संस्थान है। तो उसके अनुसार वैश्विक सैन्य व्यय में, मतलब सैनिकों में व्यय किए जाने के मामले में भारत का स्थान कौन सा है? तो सीपरी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में वैश्विक सैन्य व्यय में भारत किस स्थान पर रहा है? तो ध्यान रखिएगा, भारत का स्थान यहाँ पर है चौथा, ठीक है। तो फोर्थ स्थान पर भारत स्टैंड करता है, मतलब अपने सैनिकों में या फिर रक्षा क्षेत्र में खर्च के मामले में भारत का स्थान है चौथा। इसके अलावा भी बहुत सारी रिपोर्ट जारी करता है, इसमें आप कुछ कुछ पॉइंट आप देख सकते हैं, जैसे टॉप फाइव कंट्री कौन सी है जो सर्वाधिक खर्च करती है, तो यूएसए मतलब अमेरिका, उसके बाद चीन, रूस, फिर भारत चौथा, और उसके बाद सऊदी अरेबिया, ठीक, याद रखिएगा। भारत के विशेष, तो भारत का सैन्य खर्च 2022 में 81.4 अरब डॉलर था, जो कि दुनिया में चौथा सबसे उच्च था। यह पिछले वर्ष की खर्च की तुलना में 6% की वृद्धि को दर्शाता है, मतलब पिछले साल की अपेक्षा हमारे यहाँ 6% की खर्च यहाँ पर ज़्यादा हुई है, ठीक। इसके अलावा कुछ और भी न्यूज़ है इसके बारे में, आप देख लीजिए कि 2023 में सीपरी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार किस देश के पास सबसे अधिक परमाणु हथियार है? तो परमाणु हथियार के मामले में हमारा जो स्थान है, अच्छा, सर्वाधिक परमाणु हथियार तो रूस के पास है, ठीक, ध्यान रखिएगा। तो सर्वाधिक किसके पास है? रूस, और उसके बाद फिर अमेरिका का स्थान आता है। तो फर्स्ट में रूस है और दूसरे में अमेरिका है, ठीक। इसके अलावा याद रखिएगा 2018 से 22 के बीच हथियार आयातक की श्रेणी में भारत का प्रथम स्थान रहा है, ठीक, आयातक में प्रथम है। और भारत का जो सर्वाधिक आयात है हथियारों का, वो कहाँ से होता है? रूस से होता है, ध्यान रखिएगा। मतलब हमारा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर जो भारत को हथियार बेचता है वो कौन है? रूस, ठीक। और सबसे बड़ा निर्यातक, निर्यातक मतलब दुनिया में सबसे ज़्यादा हथियार बेचने वाला जो देश है वो कौन सा है? अमेरिका, ठीक है। उसके बाद आता है रूस का स्थान। अमेरिका दुनिया में सर्वाधिक हथियार बेचने वाला देश है, ठीक है। आप देखोगे कि हर लगभग देश को वो हथियार देता है, ठीक है। और इसका जो हथियार मार्केट है वो विश्व का सबसे बड़ा मार्केट है, और यही वजह है यही वजह है कि अमेरिका ये नहीं चाहता कि दुनिया में शांति स्थापित हो, क्योंकि दुनिया में शांति स्थापित हो गई तो हथियार खरीदेगा कौन? तो हथियार तभी आप खरीदोगे जब आपको डर होगा, खतरा होगा, है ना, अपने आप को मजबूत करना चाहोगे। तो यहाँ पर अमेरिका का जो सबसे बड़ा जीडीपी में योगदान है वो हथियारों का ही होता है, ठीक, इसलिए वो सबको आपस में लड़वाते रहते हैं। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट, एयर क्वालिटी इंडेक्स। स्विस एयर ट्रैकिंग इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा कि सर्वाधिक प्रदूषित शहर आपका पड़ोसी देश पाकिस्तान का लाहौर है, ठीक है। और दुनिया के 50 सबसे प्रदूषित शहरों में दिल्ली का स्थान कितने नंबर का है? तो चौथे स्थान पर है। तो सर्वाधिक प्रदूषण के मामले में दिल्ली का स्थान चौथे पे है, ठीक है। और फर्स्ट पे कौन है? लाहौर है। तो ध्यान रखिएगा, लाहौर सर्वाधिक प्रदूषित शहर है इस दुनिया का, हालांकि दिल्ली भी उतना कुछ खास अच्छा नहीं है, चौथे स्थान पर है। और सर्दी के मौसम में तो वहाँ ऐसा सिचुएशन है कि अभी विजिबिलिटी ज़ीरो है स्मॉग और फॉग के कारण, और लोग मास्क के बिना सांस नहीं ले पाते, ऐसी सिचुएशन वहाँ पर है। खैर, आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक 2021-22 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो मानव विकास सूचकांक में फर्स्ट स्थान पर रहा है स्विट्जरलैंड, ठीक है। इस सूचकांक में 132वां स्थान हासिल किया है भारत ने, और शीर्ष के तो देश देख सकते हैं स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और आइसलैंड, ठीक है। तो फर्स्ट स्विट्जरलैंड, और भारत का जो स्थान है वो कितना है, ठीक, 132वां। नेक्स्ट, अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2022 नामक रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है, जो बाघ रिपोर्ट आती है हर दो साल में, तो बाघ रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश सर्वाधिक बाघों के मामले में शीर्ष स्थान पर है? तो सर्वाधिक बाघ, ठीक है, वाला राज्य कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश, जिसको टाइगर स्टेट कहा जाता है,
ठीक है, तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बाघ है, लगभग 785 बाघ यहाँ पर ट्रैक किए गए हैं। उसके बाद स्थान आता है कर्नाटक का, उसके बाद फिर उत्तराखंड का। तो कम से कम यहाँ पर तीन याद रखिए, तीनों इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और उत्तराखंड में सर्वाधिक बाघ पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है देख लेते हैं कि भारत में बाघों की संख्या बढ़कर 2022 में 3682 हो गई है। ठीक है, कैमरा ट्रैप पद्धति से बाघों की निगरानी की जाती है, ये ध्यान रखिएगा। कौन सी पद्धति है उनको गिनने की? तो कैमरा ट्रैप पद्धति। ठीक है, कैमरा लगाकर। भारत में वर्तमान में दुनिया के लगभग 70% बाघों की आबादी पाई जाती है, मतलब पूरी दुनिया के बाघों में से 70% बाघ भारत में है। ठीक है, वर्तमान में है ना 70% बाघ है। वर्ष 1973 में भारत सरकार ने प्रोजेक्ट टाइगर के रूप में ये बाघ संरक्षण परियोजना शुरू की थी। तो ध्यान रखिएगा कि बाघ संरक्षण परियोजना कब स्टार्ट की गई थी? 1973 में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। आगे देखते हैं, पॉपुलेशन इंडेक्स, द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 के अनुसार चीन को पछाड़कर दुनिया का शीर्ष जनसंख्या वाला देश या आबादी वाला देश कौन सा बन गया है? तो जाहिर सी बात है, चीन को अगर कोई पछाड़ सकता है किसी भी क्षेत्र में तो वो है भारत, चाहे वो इकोनॉमी के क्षेत्र में हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में। ठीक है, तो चाइना को टक्कर देने के लिए एकमात्र कंट्री कौन सा है? भारत। तो हमने एक में तो टक्कर दे दिया है, जहां पर हम पहले स्थान पर आ चुके हैं। ठीक है, जारीकर्ता कौन है इस इंडेक्स का? तो ध्यान रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, UNFPA, ठीक, इसने जारी किया है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। ठीक है, चलिए, भारत की जनसंख्या अभी फिलहाल आंकी गई है 142.86 करोड़, ये ध्यान रखिएगा 142.86 करोड़ आंकी गई है। ठीक है, प्रजनन दर भारत में कितना है? 2, मतलब ये विश्व औसत से कम है, तो ये अच्छी चीज़ है। विश्व औसत के हिसाब से हमारा प्रजनन दर 0.3% कम है, 0.3 कम है। ठीक है, प्रजनन दर का मतलब एक महिला के द्वारा अपने पूरे जीवन काल में जो बच्चे उत्पन्न करने की क्षमता है वो अभी फिलहाल कितनी है? तो वो है 2। ठीक है, जीवन प्रत्याशा की बात करें, मतलब एक व्यक्ति के जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो है वो भी काफ़ी यहाँ पर ठीक है, जहाँ पर मेल पर्सन 71 ईयर जीता है लगभग और फीमेल 74। तो जीवन प्रत्याशा के मामले में भी ठीक है, मतलब पुरुष जो है वो लगभग 71 ईयर जीता है और महिला जो है 74 ईयर जीती है। तो महिलाओं की जो आयु है पुरुषों से लगभग 3 ज़्यादा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। 2023 में जारी लघु सिंचाई परियोजनाओं की छठी गणना रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक लघु सिंचाई परियोजनाएं किस देश में है? ये भारत के अंदर के संबंध में है, तो यहाँ पर इसको याद रख लीजिएगा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, जहाँ पर सर्वाधिक लघु सिंचाई परियोजनाएं संचालित है, ठीक, उत्तर प्रदेश। वैसे हालांकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हल्का से याद रख लेना। जारीकर्ता जल शक्ति मंत्रालय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पहली जल शक्ति जनगणना 2023 के अनुसार, ये पहली है इसलिए इम्पॉर्टेंट है, तो पहली जल शक्ति जनगणना 2023 के अनुसार भारत में जल सबसे ज़्यादा जल संरचनाएं किस देश में है, किस राज्य में है? जल संरचनाओं का मतलब होता है किसी भी प्रकार के जल के स्रोत, जैसे नदियां, जैसे तालाब, जैसे नलकूप वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इस हिसाब से पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक क्या है? जल संरचनाएँ मौजूद है। ठीक है, भारत में कुल 42,24,250 जल संरचनाएं हैं, मतलब ये पानी के स्रोत हैं। ठीक है, और इसमें से ग्रामीण भारत में 97 और शहरों में लग केवल 3%, मतलब जल संरचनाओं के मामले में आप देखो तो 97% जो जल संरचनाएं हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में हैं और केवल 3% जल संरचनाएं या जल के स्रोत जो है शहरी क्षेत्रों में है। ठीक है, हालांकि शहरी क्षेत्रों में ये जनसंख्या बढ़ती जा रही है, उसका भी कोई उपाय जल्दी ही हमको सोचना पड़ेगा। खैर, कुछ और पॉइंट देखते हैं। पहली जल शक्ति जनगणना 2023 के अनुसार पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा 7.47 लाख जल संरचनाएं हैं। ठीक, इसके में सबसे कम जल संरचनाएं हैं, तो सबसे ज़्यादा है पश्चिम बंगाल में और सबसे कम सिक्किम में। जल संरक्षण योजनाओं को लागू करने में अग्रणी राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। ठीक है, पानी टैंकों की सबसे अधिक संख्या आंध्र प्रदेश में,
झीलों की सबसे अधिक संख्या तमिलनाडु में, और ये जारीकर्ता कौन है, तो जल शक्ति मंत्रालय, ठीक है, जिसकी हमने पहले चर्चा की है। ठीक, तो ये सारे आज के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, हमने जहाँ पे लगभग 24 क्वेश्चन इंडेक्स से तैयार किए थे। हालांकि इंडेक्स पूरे साल भर में बहुत सारे आते हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं ये पूरे इंडेक्स की सूची है, आप इसको आराम से बैठ करके देखिए, ये एक इंडेक्स का पूरा, ठीक है, इंडेक्स नेम, रैंक, टॉप कंट्री और रिलीज्ड बाय, ये पूरा इसका चार कॉलम में डिवाइडेड है और आप इसको आराम से बैठ कर देख सकते हैं। ठीक, बहुत सारे 40-50 हर साल इंडेक्स यहाँ पे जारी किए जाते हैं, और उस 40-50 में से मात्र 10-12 ही इंडेक्स हमारे काम के हैं, तो हमने लगभग आज 25 के आसपास इंडेक्स वगैरह देखे हैं। ठीक है, और मेरे हिसाब से ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी है, इससे ज़्यादा अगर आपको इतना हो जाए या पूरा इस ये याद हो जाए, इसके बाद अगर आप आगे जाना चाहें तो बिल्कुल जाइए, नहीं तो ये जितना हमने आज क्लास में चर्चा की है वो मोर देन सफिशेंट है। ठीक है, तो खैर आज के लिए सिर्फ इतना ही, और नेक्स्ट करंट अफेयर की वीडियो में हम खेल संबंधित जो चीज़ें हैं साल भर की एक्टिविटीज़, वो हम लेकर के आएंगे, और आशा करता हूँ कि ये सेगमेंट आपके लिए बड़ा, ठीक है, मज़ेदार रहा होगा और आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिली होगी इससे। ठीक, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।